वेलकम बैक गाइस। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस प्लांट के ऊपर है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल प्लांट है और इसके फ्लावर्स देख रहे हैं कितने बड़े और कितने अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं। आज का जो ये वीडियो है मेरा डलियाज के ऊपर है। आपको डलियाज किसी भी नर्सरी में बड़े आराम से मिल जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल रहता है, जैसे कि मेरे पास मरून कलर में है और पिंक कलर में भी है, रेड कलर में भी है। ये आपको येलो कलर में और ऑरेंज कलर में भी देखने के लिए मिल जाएगा। डलियाज की फर्स्ट डिमांड होती है कि इसको एम्पल ऑफ सनलाइट चाहिए। अगर हम इसको सनलाइट नहीं देंगे तो जो आपको इसका ये जो ट्यूबर सेक्शन दिख रहा है, ये पूरा जो ट्यूबर सेक्शन है ये धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो ये आपको बडिंग्स दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे जितने भी बडिंग्स हैं ये भी बनने बंद हो जाएंगे। इस प्लांट के साथ सबसे बड़ी और सबसे मतलब एक रिमेम्बरिंग चीज जो हमारे माइंड में होनी चाहिए वो ये है कि जब तक इसका अपर सरफेस पूरी कंप्लीटली अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए तब तक इसको हम वॉटरिंग ना दें, तो हम इस प्लांट को अपने घर में बहुत लंबे टाइम के लिए अपने पास रख सकते हैं। इसको कम से कम 6 आवर्स की प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है। अगर हम इसको सनलाइट नहीं देंगे तो इसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और ये प्लांट हमारा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लगेगा। अगर आपको इसके टिप्स जब भी ब्राउन कलर के दिखने लगे आप समझ लीजिए कि इसको वॉटरिंग की कमी हो रही है। और अगर आपको इसके जितने भी पत्ते अगर येलो दिखाई दें और सडनली वो गिरने स्टार्ट हो जाए, प्लांट्स शेड करना स्टार्ट कर दें, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको ओवर वॉटरिंग कर दिया है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप प्लांटर्स में डलियाज को लगा रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं, तो आप हमेशा अपने माइंड में रखिए कि जब तक अपर सरफेस हमारे प्लांटर की अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए तब तक आप इसको वॉटरिंग ना करें, तो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं अपने डलियाज को 15 डेज में इसको एक बार अच्छे से फर्टिलाइज कर देती हूँ। आप इसको लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं और आप इसको सॉलिड में भी कोई भी जैसे वर्मी कंपोस्टिंग के जो पैकेट्स आते हैं आप वो भी दे सकते हैं, या अगर आपके पास काउडंग है उसको भी दे सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी काउडंग केक दें तो वो आपका बहुत ज्यादा पुराना होना चाहिए। इसकी ब्लूमिंग के लिए और इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। आप देख ही रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टिक से इसको सपोर्ट दिया हुआ है। अगर मैं इसको सपोर्ट नहीं दूंगी क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो इतना ज्यादा वेट है, अगर मैं इसको ये हटा दूंगी इसकी स्टिक तो ये हमारा प्लांट पूरी तरीके से नीचे गिर जाएगा और टूट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो डलियाज है इनको सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा चाहिए होता है। इसमें समटाइम्स माइट्स लग जाते हैं और स्पाइडर माइट्स जिसको हम बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, रेड कलर के आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे से कीड़े। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो छोटे छोटे माइट्स या जो भी हमारे एफिड्स और जो मिली बग्स होते हैं ये सारे के सारे कभी भी ऊपर के पोर्शन में बहुत ज्यादा रेयर दिखाई देते हैं। तो हमेशा आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इस चीज को जरूर एनालाइज कीजिएगा कि हमारे प्लांट्स के जो पत्तों के नीचे का जो पोर्शन होता है यहाँ पे आपको रेड कलर के जो मैं आपको स्पाइडर माइट्स बता रही हूँ वो देखने के लिए मिल जाएंगे। इससे बचने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए पहले तो इसमें ओवर वॉटरिंग करना बंद कीजिए। ओवर वॉटरिंग बंद करने से ही और सनलाइट प्रोवाइड करने से इस प्लांट के लिए हमें कोई भी केयर करने की और जरूरत नहीं है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। अपने घर में डलियाज को ग्रो कीजिए और अपनी बैल्कनी या आपका जो भी जहाँ पे भी आपका स्पेस है उसको इस प्लांट को लगा के यूटिलाइज कीजिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।